हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रल लिगैंड के बारे में। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा होगा, हमने ऑलरेडी पॉजिटिव लिगैंड और न्यूट्रल नेगेटिव लिगैंड की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी लिगैंड। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने लिगैंड की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, व्हाट आर लिगैंड्स एंड देयर टाइप, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, तो न्यूट्रल लिगैंड क्या होते हैं? ये ऐसे लिगैंड होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर दी चार्जलेस लिगैंड। ओके, अब ये चार्जेस लिगैंड जो होते हैं उनको हम कुछ स्पेशल नाम से बुलाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब में स्पेशल नाम हो, बट कुछ कुछ ऐसे लिगैंड हैं जिसे हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है? तो ये हैं हमारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रल लिगैंड, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका हम लिखेंगे नाम एज अ लिगैंड। तो जैसे पहला लिगैंड आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। इसका नाम है मिथाइल अमीन। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे एम सिंगल होगा, सिंगल। अमोनिया को छोड़ के जहाँ पे भी अमाइन यूज होता है वहाँ पे सिंगल एम होता है। अगर आपने डबल एम लिख दिया तो इसे गलत माना जाएगा। और इस लिगैंड में जो डोनर आटम होता है वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है? देन कम्स अमोनिया। ये जो दूसरा लिगैंड है यह है अमोनिया, बट इसे एज ए लिगैंड जो कॉम्प्लेक्स में इसका नाम है वो लिखा जाता है अमाइन। तो आप देखिए यहाँ पे दो एम यूज हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए इसे। और इसमें भी जो डोनर आइटम होता है वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज वाटर, और इसे हम लिखते हैं एक्वा या फिर एको के नाम से, ठीक है? जो एक्वा है वो ओल्ड कन्वेंशन है, दैट इज़ बिफोर 2004 IUPAC रिकमेंडेशन, और अकॉर्डिंग टू 2004 IUPAC रिकमेंडेशन इसे हम एक्को लिखते हैं। वैसे दोनों चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट लिगैंड है उसका नाम है नाइट्रोसिल। इसका जो लिगैंड है, ये जो लिगैंड है इसका नाम कॉम्प्लेक्स में होता है नाइट्रोसिल, ओके? और जो वाटर होता है उसमें जो डोनर आइटम है वो है ऑक्सीजन, और नाइट्रोसिल में जो डोनर आइटम है वो है नाइट्रोजन आइटम, ठीक है? जो नेक्स्ट है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका नाम एज ए लिगैंड लिया जाता है कार्बोनिल। इसका नाम लिखा जाता है कार्बोनिल, और इसमें जो डोनर आइटम है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन दैट इज CS इज कॉल्ड एज थायोकार्बोनिल। ओके, थायो इसलिए क्योंकि हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर से, और सल्फर को हम लिखते हैं थायो। जी हाँ, इसमें डोनर आइटम होगा सल्फर। नेक्स्ट जो लिगैंड है वो है फॉस्फीन, ओके? और इसका नाम भी एज ए लिगैंड फॉस्फीन ही होता है, और इसमें जो डोनर आइटम है वो है फॉस्फोरस आइटम, क्योंकि उसके ऊपर होती है एक लोन पेयर। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा लिगैंड है उसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और यही सेम नाम हम यूज करते हैं लिगैंड में भी, ओके? एंड द डोनर एटम रिमेन सेम, दैट इज द फॉस्फोरस, ओके? अब ये जो नेक्स्ट लिगैंड है इसका नाम है थायो यूरिया, थायो यूरिया, ओके? अभी जो थायो यूरिया है ये आया है यूरिया से, ये आया है यूरिया से। अगर इस सल्फर के जगह पे मैं सिर्फ ऑक्सीजन एटम लगा दूं तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये हो जाएगा यूरिया, ओके? तो ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, ओके? इन केस ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय सल्फर, सो द लिगैंड इज कॉल्ड एज थायो यूरिया। ये जो है, ये जो नेक्स्ट लिगैंड है, जी हाँ, इसमें जो डोनर आइटम होता है वो होता है सल्फर, ओके? ये जो नेक्स्ट लिगैंड है इसका नाम है पाइरिडीन, ओके? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये एक
हेटरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और डोनर आइटम नाइट्रोजन होता है क्योंकि उसके पास है एक लोन पेयर। द नेक्स्ट लिगैंड, दिस लिगैंड इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज हाइड्राजीन। ओके, इसे कहते हैं हाइड्राजीन और इसमें डोनर आइटम है नाइट्रोजन आइटम। कोई भी नाइट्रोजन आइटम डोनेट कर सकता है क्योंकि दोनों के पास है एक एक लोन पेयर। अब ये जो लिगैंड है इसे कहते हैं इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमीन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक सिंगल एम का यूज़ करेंगे, अगर आपने गलती से भी डबल एम लिख दिया तो वो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी जनरली आप देखेंगे, इथेन 1.2 डाई अमीन, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये है फर्स्ट कार्बिन और ये है सेकेंड कार्बिन, और फर्स्ट और सेकेंड कार्बन दोनों को अटैच है दो अमाइनो ग्रुप। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर न्यूट्रल लिगैंड। और भी होंगे तो वो हम अपनी अगली कैटेगरी ऑफ लिगैंड में भी उसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने लिगैंड को काफ़ी ब्रॉड तरीके से क्लासिफाई किया है, तो बचे हुए लिगैंड हम दूसरे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।